के साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। जापान के ओसाका में G20 समिट समाप्त, पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना। सऊदी अरब और इटली के बाद 2022 में भारत G20 समिट का मेजबान होगा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजन। G20 समिट के तीसरे सेशन में विकास और असमानता पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला मंत्र। पीएम मोदी ने G20 समिट में कई मुद्दों को उठाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी प्रमुखता से जिक्र किया। G20 समिट में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया, दुनिया भर में भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने के उपायों की जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा भारत ने विदेशी रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए, G20 देशों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी अपील की। जापान के ओसाका में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, G20 के सेशन 3 से पहले अनौपचारिक मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली, फोटो ट्वीट करके स्कॉट मॉरिसन ने लिखा कितने अच्छे हैं मोदी। जापान के ओसाका में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ कई और मुद्दों पर वार्ता। पीएम मोदी की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। बिहार की राजनीति से गायब चल रहे तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी, अपनी बीमारी का दिया हवाला, मीडिया और विरोधियों पर साधा जोरदार निशाना। चमकी बुखार पर तेज हुई सियासत, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में दिया धरना, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री का मांगा इस्तीफा, चमकी बुखार से अब तक 172 बच्चों की जा चुकी है जान। पुणे के कुड़म्बा में पार्किंग की दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत, 4 बच्चे भी शामिल, मरने वालों में कटिहार के 12, छपरा के 2 और एक वैशाली के। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख। सीएम नीतीश कुमार ने संयुक्त श्रम आयुक्त को पुणे जाने और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया, उधर एनडीआरएफ की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया। पुणे के ससुन अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज, पूजा देव और अजय देव अस्पताल में भर्ती, इसके अलावा शवों को ससुन अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। समस्तीपुर में एक टेंट कारोबारी को अपराधियों ने घर से बुलाकर गोली मार दी, गोली लगने के बावजूद व्यवसायी अपराधियों के चंगुल से भाग निकला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के मुफस्सिल थाना इलाके के उमेश्वर नगर तारतर गांव में एक परिवार पर दबंगों ने हमला बोल दिया, 2 महिलाओं को गोली मार दी जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। औरंगाबाद के देवकुंड के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में देवकुंड और आसपास के ग्रामीणों ने आज अस्पताल के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सहरसा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों नियोजित शिक्षकों ने लंबित वेतन की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के दफ्तर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, हंगामेबाजी। बांका के कटोरिया बाजार में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खाली कराई गई दुकानें, महिला पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। सहरसा में प्रसाद खाने से 3 परिवार के 7 बच्चे समेत 13 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, उल्टी चक्कर आने की शिकायत, सभी अस्पताल। मधेपुरा में जिले के वरीय उप महासमर्ता पंचायती राज पदाधिकारी और प्रभारी एसएफसी प्रबंधक पर लगा अवैध उगाही के साथ साथ यौन शोषण का बड़ा आरोप। कैमूर में बालू लदे ट्रकों पर परिवहन विभाग का चला डंडा, कई ट्रकों को जब्त कर यार्ड में लगाया गया, 150 से ज्यादा सड़क किनारे और लाइन होटल पर खड़े ओवरलोडेड ट्रकों को वीडियोग्राफी कराकर 50 लाख से ज्यादा राजस्व आएगा। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और गांव वालों के बीच मोबाइल छीना झपटी को लेकर विवाद, कई लोग घायल, गंभीर हालत में एक छात्र और एक बच्चे को कराया गया अस्पताल में भर्ती। नालंदा में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, इस्लामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक नवजात को उठा लिया गया जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। भोजपुर मुफस्सिल थाना इलाके के महुली गांव में पारिवारिक विवाद में एक पिता ने 2 बेटों के साथ जहर खा लिया, बाद में गंभीर हालत में परिजनों ने 3 लोगों को आने पानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सीतामढ़ी महोत्सव में कार्यक्रमों की धूम, नामचीन कलाकारों ने अपनी कला के जरिए दर्शकों का दिल जीता। सुपौल जिले में एक युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण करने का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगाया गया। सुपौल में 30 साल की महिला की हत्या, ससुराल वालों पर आरोप, पति ने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या की है, 5 बेटियां होने के चलते ससुराल वालों ने महिला को जख्म किया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना इलाके के खोरिया मिशन पंचायत में मानवता शमशाद पंचायत में एक युवक को मानव तस्करी के आरोप में तालिबानी फैसला सुनाने के बाद ना सिर्फ युवक की पिटाई की बल्कि चप्पल पर थूक फेंककर युवक को चटाया गया।
मोतिहारी में जमीन विवाद में जमकर हंगामा, मारपीट भी हुई। बीएसएफ जवान ने बुजुर्गों को पीटा, घर वालों के साथ साथ कई लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर में अपराधियों ने घर में घुसकर 28 साल के युवक को मारी गोली, परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया युवक को भर्ती। गांव के दबंग हथियार समेत अपने दो साथियों के साथ पहुंचे थे, इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों फरार हो गए। बेगूसराय में एक युवक ने पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पति मानसिक रूप से बीमार था। बाढ़ में पूर्व मध्य रेलवे के रेल सेफ्टी कमिश्नर एनटीपीसी कॉल लाइन का निरीक्षण करने स्टेशन पहुंचे, अधिकारियों और दल बल के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने नए पैनल हॉल का निरीक्षण किया। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में कुव्यवस्था, मरीजों को दवाइयां, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत, डॉक्टरों की मनमानी से मरीजों को काफी परेशानी। मुंगेर में नारायणपुर के सोनवर्सा बासा में देसी बम मिलने से सनसनी, बम मिलने से इलाके में दहशत, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पुलिस बल की तैनाती। छपरा में गरखा थाने के मीनापुर बाजार में दो पक्षों में लाठी डंडे से जमकर हुई मारपीट, जिसमें 9 लोग हुए जख्मी, जिसमें से 3 की हालत बेहद नाजुक। बांका के पंचवारा थाना के कुम्भराडी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में झड़प, दोनों एक दूसरे पर तलवार और टांगी से हमला कर आपस में उलझ बैठे। गोपालगंज में जमीन विवाद में एक ही परिवार के कई लोगों पर कुदाल से जानलेवा हमला, एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तितरिया भिच्छाराम के रहने वाले भगवान साहा का अपने ही पड़ोसियों से जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, इसी विवाद में दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद पड़ोसियों ने कुदाल से हमला कर दिया। विक्रम के दुल्हन बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भवन संचालित होता है, इतना ही नहीं चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव है। यहां पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल से डॉक्टर शिवलाल चौधरी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पद पर प्रतिनियुक्त है। बांका में 17 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर अवरखा धर्मशाला में एसडीओ बेलहर, एसडीपीओ ने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक आयोजित की। सहरसा सदर अस्पताल में हल्की सी बारिश होने के बाद ही जलजमाव की समस्या पैदा हो जाती है, यहां आने वाले मरीजों को परेशानियों का काफी सामना करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय पहुंचे मधुबनी, जयनगर आईबी में मिथिला के परंपरागत परिधान से कार्यकर्ताओं ने मंत्री को सम्मानित किया। मुंगेर पहाड़ की तराई में लावारिस पड़ा मिला अज्ञात युवक, पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत। समस्तीपुर में मिथिला की लोक कला से संबंध रखने वाले कलाकारों को एक नई पहचान मिली है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर स्टेशन की सजावट मिथिला पेंटिंग से हुई, बिहार संपर्क क्रांति को भी मिथिला पेंटिंग से सजाया और संवारा गया। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के रूपपुर गांव में शादी समारोह के बाद भोजन खाने से कई लोग डायरिया की चपेट में, घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल की टीम गांव पहुंची। नालंदा के सलमानपुर में नवजात की चोरी होने का कोहराम, गुस्साई भीड़ ने अस्पताल पर बोला हमला, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने पहले किया लाठीचार्ज फिर फायरिंग। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में नवजात की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जोरदार हंगामा किया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, अस्पताल में उस समय इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं थे, मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। बाद में ईस्ट जोन के रेल सेफ्टी कमिश्नर पहुंचे बाद स्टेशन, बाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने नए पैनल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री रघुवर दास की समीक्षा बैठकों का मैराथन दौर जारी, शुक्रवार को कई विभागों की बैठक के बाद आज भी कई विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं झारखंड के सीएम, सीएम ने दिन की शुरुआत रांची में सेकेंड सीआई ट्राइबल डेवलपमेंट मीट के उद्घाटन के साथ की। रांची में पुलिस हाउसिंग कॉलोनी निर्माण मामले में जेबीआर झारखंड की खबर का बड़ा असर, जांच के लिए डीसी ने रिपोर्ट सौंपी, जांच रिपोर्ट में गैर मंजूरवा जमीन की खरीदारी करने और कागजात में छेड़छाड़ कर उसकी रजिस्ट्री के साथ साथ म्यूटेशन कराने की बात सामने आई। रांची में लालू यादव से मिले शरद यादव, सेहत का जाना हालचाल, कहा राजनीतिक चर्चा के साथ साथ मॉब लिंचिंग पर हुई बात, चारा घोटाले में सजायाप्त लालू प्रसाद यादव का रिम्स में चल रहा इलाज। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने लालू यादव से मिलने पहुंचे शरद यादव पर बड़ा हमला बोला है, कहा है कि ये वही शरद यादव हैं जो दोबारा उस जगह पहुंच गए जहां ना तो वो खुद पहुंचना चाहते थे और ना ही किसी को पहुंचने देना चाहते थे। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तेजस्वी यादव की तबीयत को लेकर किए जा रही टिप्पणी करने वालों पर निशाना साधा है, कहा है कि जो लोग आज शरद यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं जरा वो बताएं कि उन्होंने अपने आप को शरद यादव से अलग क्यों किया। ममता सरकार का नया फरमान जारी, झारखंड के ऑटो वाहनों के बंगाल में प्रवेश पर रोक लगाई, पश्चिम बंगाल में ऑटो के प्रवेश पर पाबंदी लगने के बाद ऑटो चालकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
ठाकुर के लिट्टीपाड़ा में ग्रामीणों ने डीसी को समाहरणालय पहुंचकर सड़क निर्माण के लिए मांगा पत्र। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कराया जाए, बारिश के समय ग्रामीणों की परेशानी यहां पर बढ़ जाती है। दुमका के चंदन पहाड़ी गांव में शादी समारोह में खाना खाने के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 लोग बीमार पड़ गए। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन यातायात व्यवस्था को लेकर बैठकों का दौर कर रहा है। देवघर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के नेतृत्व में आज सभी ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक मीटिंग हुई। लोहरदगा में राजकीय कृत मध्य विद्यालय में स्कूल में प्रार्थना के समय ज्यादा धूप की वजह से एक छात्र बैठ गया यहां तो घर के प्रिंसिपल ने उसकी जमकर पिटाई कर। धनबाद के फुटकी कच्ची बलिहारी में महिला पर डायन होने का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। 50 लोग डीएसपी ऑफिस पहुंचे, लोगों ने महिला पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कुल्हान के किसान कर्ज लेने से घबरा रहे हैं। प्रखंड के अधिकारी और कर्मी आदिवासी किसान के घर घर जाकर योजना के लाभ के बारे में बता रहे हैं। सरायकेला में चाईबासा पुलिस की काफी सतर्क हो गई है पुलिस। नए एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर मॉब लिंच के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हजारीबाग के टाटी झरिया NH 100 पर SBI ATM से चोरों ने शुक्रवार की रात रुपए उड़ा लिए। ATM को गैस कटर से काटा गया और फिर उसमें से रुपए निकाल लिए। जमशेदपुर के भुयाडी से मानगो की तरफ जा रहे डीजल से भरा टैंकर अचानक ही पलट गया, जिससे पुल से गुजर रहे दो लोगों की मौत हो गई, करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। हजारीबाग में पेट्रोलिंग वाहन ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि पेट्रोलिंग वाहन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। लातेहार में सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए अब लाइसेंस देने का सिस्टम सख्त किया गया। धनबाद में कोयला ढुलाई कर रहे हाईवे के चपेट में आने से एक युवक की मौत, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर मचाया बवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने NDRF और SDRF की तारीफ की, कहा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोगों के बीच NDRF और SDRF ने अटूट विश्वास कायम किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आज देश के 31 राज्यों में NDRF मौजूद, बचाव के लिए फौरन कहीं भी पहुंच जाती है टीम। गृहमंत्री अमित शाह ने उपकरणों को अपग्रेड करने की भी बात कही, DRDO के साथ काम करने का सुझाव दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में हुए स्पेशल फोर्सेस फोरम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसी फोरम से NDRF के उपकरणों को अपग्रेड करने की बात कही। PNB घोटाले से भी बड़े घोटाले का खुलासा, स्टर्लिंग बायोटेक यानी संदेशरा ग्रुप ने किया करीब 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। संदेशरा ग्रुप के घोटाले पर ईडी का दावा, CBI ने 5,000 करोड़ रुपए घोटाले की FIR दर्ज की। ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज किया है, भारतीय बैंकों को ओवरसीज ब्रांच से 9,000 करोड़ का लोन लिया था। दो दिन पहले स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। गुजरात और महाराष्ट्र में कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की रेड डाली गई, 9,778 करोड़ की संपत्ति अटैच की। नाइजीरिया में मौजूद स्टर्लिंग बायोटेक के तेल कुएं और एक विमान का भी अटैचमेंट किया गया था। अब तक स्टर्लिंग बायोटेक की 4,730 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ आज द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के बीच बैठक काफी है। भारी बारिश से मुंबई हुई बेहाल, कई जगहों पर सड़क पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। तेज बारिश को देखते हुए NDRF की 3 टीमें तैनात, टीम में NDRF के करीब 100 जवान शामिल। मुंबई के चेंबूर में तेज बारिश से दीवार गिरी, 5 ऑटो रिक्शा चपेट में। मुंबई और कोंकण में आज भारी बारिश की चेतावनी, अब भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। गुजरात के वलसाड में बारिश के पानी से भरा अंडरपास, रेलवे स्टेशन परिसर में भी जल भराव। गुजरात के सूरत में बारिश के बाद करंट लगने से एक युवती की मौत, पानी से बचने के लिए खंभे के सहारे आगे बढ़ रही थी युवती। दिल्ली में 3 जुलाई को आएगा मॉनसून, मौसम विभाग का ऐलान 3 दिन की देरी। इंग्लैंड के खिलाफ नारंगी और नीली जर्सी में नजर आएगी टीम इंडिया, आधिकारिक ऐलान, कल बर्मिंघम में होगा मुकाबला। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले इंग्लिश खिलाड़ी का छलका दर्द, विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने कहा सब देखना चाहते हैं इंग्लैंड की हार।
अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। अभ्यास मैच में अफगानिस्तान से हार चुका है पाकिस्तान। हांगकांग में प्रत्यर्पण कानून का विरोध कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प। 1000 से ज्यादा लोगों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। स्पेन के मध्यकालीन शहर टोलेडो के पास आग लगी। स्थानीय निवासियों को बाहर निकाला गया। धुएं से सांस घुटने की शिकायत। रूस के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मौसम बेहद खराब। कई जगह तेज बारिश। शहर पर देखे गए गहरे बादल। अल्जीरिया में सिविल स्टेट की मांग ने जोर पकड़ा। हजारों लोग सड़क पर उतरे। मांग पूरी नहीं होने तक विरोध जारी रखने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यमन में प्रदर्शन। दोनों देशों की बर्बादी के लिए मांगी गई दुआ। महीने में दूसरी बार कोहरे की चपेट में आया सिडनी का ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज। कई उड़ानों को रद्द किया गया। फिल्म दूसरा का ट्रेलर रिलीज। डायरेक्टर अभिनय देव ने ट्रेलर शेयर की। 2002 में टीम इंडिया की जीत पर आधारित है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हुए ग्रेजुएट। शाहरुख गौरी खान ने शेयर की तस्वीरें। पिछले 4 साल से लंदन में पढ़ाई कर रही थी सुहाना। मलाइका अरोड़ा ने हॉलीडे से शेयर की बिंदास फोटो। अर्जुन कपूर ने मांगा फोटो क्रेडिट। हादसे का शिकार होने से बची प्रियंका चोपड़ा। निक जोनस ने पत्नी को संभाला। चलिए सौ शेयर सौ खबरें फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक, फोन लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।